Hi friends, welcome again to your own channel History Class 12th. Actually इस chapter के हम तीन part पहले कर चुके हैं, ये fourth part है. कोशिश करते हैं इसको खत्म करने की. दोबारा से मैं revise कर रहा हूँ. इस chapter से कोई बड़े सवाल आने की संभावना लगभग नील है. तो normally इस chapter में तैयार हमें करना MCQ और साथ में ही जो पिक्चर आइडेंटिफिकेशन का जो सवाल है वो इसी चैप्टर से करना. तो पिक्चर आइडेंटिफिकेशन के लिए पुराने वीडियो में आप देख सकते हो, आप वहाँ पे जाइए और वहाँ पे पिक्चर आइडेंटिफिकेशन को कवर कीजिए. साथ में इसी चैप्टर में हमने पॉइंट नंबर 33 डिस्कस की थी, अब हम पॉइंट नंबर 34 से शुरू करते हैं. तो ब्लैक टाउन है पॉइंट नंबर 34 है कि ब्लैक टाउन है वो आउटसाइड द फोर्ट की फोर्ट के अंदर. नॉर्मली सभी हम सबको पता है कि फोर्टिफाइड एरिया है, उसके अंदर जो लोग रहते थे वो यूरोपियंस के लिए बनाया गया था, तो उसको व्हाइट टाउन के नाम से जाना जाता है. तो उसके चारों तरफ जो लोग रहते थे उनको ब्लैक टाउन्स में सेटल आउट किया गया था. ठीक है, अगला तमिल में कुछ वर्ड्स हैं. तमिल में जो पेट वर्ड है वो आपके सेटलमेंट के लिए यूज किया जाता है, साथ ही जो पुरम वर्ड है वो विलेज के लिए यूज किया जाता है, गांव के लिए यूज किया जाता है. इसके अलावा एक छिंट डेरी पेट वाज एन एरिया मेंट फॉर व्यूवर्स, व्यूवर्स के लिए कॉलोनी बनी हुई थी, इसका नाम है वासरमेंट. वासरमैन पेट वाज ए कॉलोनी फॉर द वासरमैन ब्लीचर्स ऑफ द क्लॉथ्स. और रॉयल पुरम वाज ए सेटलमेंट फॉर क्रिश्चियन बोट्समैन वर्क फॉर द कंपनी. तो ये कुछ अलग अलग नाम थे जो इनके लिए बने हुए थे. इसके अलावा जो दूभाषिया एक दूभाषिया जिसको हम बोलते हैं कि दो अलग अलग भाषाओं में जो व्यक्ति काम करता है. तो दूभाषिया वर इंडियंस हु कुड स्पीक टू लैंग्वेज द लोकल लैंग्वेज एंड द इंग्लिश. दे वर्क एज एजेंट्स एंड मर्चेंट्स एक्टिंग एज ए इंटरमीडिएटरीज बिटवीन इंडियन सोसाइटी एंड द ब्रिटिशर्स. तो दूभाषिया उस व्यक्ति को बोला जाता था जो कि लोकल लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज में काम कर सकता था, जो कि इंडियन मर्चेंट्स या जो लोकल लोग थे उनमें से ज़्यादातर लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज की जानकारी नहीं थी. तो दूभाषिया काम ये होता था कि यूरोपियन लोगों से इंटरमीडिएट के रूप में वो काम करता था. 37 में एक इनिशियल जॉब्स विद द कंपनी वर मोनोप्राइज बाय द वेलार्स. साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं कि साउथ इंडिया में जो अलग अलग कास्ट है उन कास्ट में से जो शुरुआती ब्रिटिश इंडिया कंपनी के अंतर्गत जिन लोगों ने जॉब की उनको वेलार कास्ट के लोग थे. रूरल कास्ट हु टुक एडवांटेज ऑफ द न्यू अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइडेड बाय द ब्रिटिश रूल. अभी के वेलार लोगों ने यहाँ पे कैसे कि वेलार लोगों ने शुरुआती जो इंग्लिश एजुकेशन थी उसका उन्होंने बेनिफिट गेन किया और उन्होंने यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में जॉब करनी शुरू की. इससे पहले साउथ इंडिया में जो संस्कृत लैंग्वेज थी उसकी और जो तमिल तेलुगु लैंग्वेज थी उसके ऊपर ब्राह्मणों का अधिकार था. तो यहाँ पर अब जो शासन की भाषा थी वो धीरे धीरे इंग्लिश बन चुकी थी. तो वेलार नॉर्मली लोअर कास्ट मानी जाती है साउथ इंडिया में, तो वेलार लोगों ने यहाँ पे इस इंग्लिश एजुकेशन का बेनिफिट उठाया और अपनी सोसाइटी के अंदर अपनी पोजिशन को स्ट्रॉन्ग होल्ड किया. अगला है नवाब ऑफ आरकोट सेटल इन नियर बाई त्रिची प्लेन विच बिकेम द न्यूक्लियस ऑफ द सब्सटेंशियल मुस्लिम सेटलमेंट. जो आरकोट का नवाब था वो त्रिची प्लेन में बस गया जहाँ पे मुस्लिम सेटलमेंट की शुरुआत हुई. ये 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब है, सबको पता होगा. बंगाल के नवाब ने कलकत्ता के ऊपर अटैक किया था. बंगाल के नवाब ने कलकत्ता के ऊपर अटैक इसलिए किया था क्योंकि कलकत्ता के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो अपना एक छोटा सा डिपोर्ट बनाया था जहाँ पर वो गुड्स को वेयर हाउस के रूप में यूटिलाइज करते थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जब उसको फोर्टिफाइड करने की कोशिश की गई तो बंगाल के नवाब के द्वारा उन्हें मना किया गया, लेकिन उन्होंने उसे एक्सेप्ट नहीं किया. तो उसके बाद उसने उसके ऊपर अटैक कर दिया. साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी को जो मुगल एम्परर थे उसके द्वारा कुछ फ्री ड्यूटी का इसे बेनिफिट दिया गया था, लेकिन जब इसमें उनका जो बेनिफिट नहीं हुआ तो बंगाल के नवाब ने यहाँ पे अटैक कर दिया. तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडर्स हैव बीन कंटीन्यूअसली क्वेश्चनिंग द सॉवरेंटी ऑफ द नवाब. ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो लगातार नवाब की जो सॉवरेंटी थी उसके ऊपर क्वेश्चन उठा रहे थे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को ये लगता था कि उन्हें जो सारे जो बेनिफिट्स और राइट्स दिए गए हैं वो मुगल एम्परर के द्वारा दिए गए हैं और बंगाल का नवाब मुगल एम्परर के अंडर में आता. लेकिन आप सभी को पता होगा कि 1707 के बाद बंगाल का नवाब धीरे धीरे मुगल एम्परर जैसे डिक्लाइन हुआ, बंगाल के नवाब ने अपनी पावर को बढ़ाना शुरू कर दिया था. तो मुर्शिद कुली खान की एक स्टेटमेंट है इस बारे में कि मुर्शिद अली खान ने बोला कि बंगाल जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अंग्रेज लोग हैं ये मधुमक्खी के छत्ते की तरह हैं और हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए कि छत्ते के अंदर इस हाइप के अंदर हम हाथ डालें वरना ही हमें काट खाएंगे. लेकिन जो उसका जो उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला बना उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया और उसने डायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ टक्कर लेने की कोशिश की. तो सिराजुद्दौला वांटेड टू असर्ट हिज अथॉरिटी. सिराजुद्दौला यहाँ पर अपनी अथॉरिटी को बनाना चाहता था, इसीलिए 1757 में सिराजुद्दौला बैटल ऑफ प्लासी में यहाँ पे हार जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे एक नए किले का निर्माण करती है जिसके ऊपर आसानी से कोई भी अटैक नहीं कर सके. कलकत्ता है वो नॉर्मली तीन गाँव से मिलकर बनाया है जिसका नाम सुतनाती कोलकाता एंड गोविंदपुर. इन तीनों गांवों से मिलकर आज का कोलकाता शहर बना है. दी कंपनी क्रिएटेड ए साइट इन द सदर्न मोस्ट विलेज ऑफ गोविंदपुर एंड ट्रेडर्स एंड व्यूअर्स लिविंग देयर वर आस्क्ड टू मूव आउट अराउंड द न्यू फोर्ट विलियम. दे लेफ्ट ए वास्ट ओपन स्पेस विच केम टू बी लोकली नोन एज द मैदान और गियरमाउथ. तो यहाँ पे भी वही है कि उन्होंने जो व्हाइट सिस्टम का जो व्हाइट टाउन बनाया, जो व्हाइट जो फोर्ट बनाया उसके चारों तरफ उन्होंने एक बड़ा सा मैदान खुला छोड़ा
ताकि फिर कभी कोई अटैक हो तो उस अटैक को डिफेंड किया जा सके। तो हमने मद्रास के अंदर जो सेटलमेंट पड़ा था वहाँ पे जो किला बनाया गया था उसका नाम क्या था याद कीजिए? उसका नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज, और कलकत्ता में जो किला बनाया गया उसका नाम था फोर्ट विलियम। पॉइंट नंबर 14, लॉर्ड वेलेसली का नाम आ रहा है। लॉर्ड वेलेसली 1798 में भारत का वॉइसराय बन गया था। ही बिल्ट ए मैसिव पैलेस गवर्नमेंट हाउस फॉर हिमसेल्फ इन कलकत्ता। ही बिल्डिंग दैट वॉज एक्सपेक्टेड टू कन्वे द अथॉरिटी ऑफ द ब्रिटिश। तो यहाँ पे एक वॉइसराय हाउस बनाया गया जिसको कि गवर्नमेंट हाउस बोला जाता है। इसी प्रकार का एक वॉइसराय हाउस दिल्ली में भी बना था बाद में, जिसको आज हम क्या बोलते हैं, जिसको आज हम प्रेसिडेंशियल हाउस बोलते हैं। जो हमारा प्रेसिडेंशियल सूट है, जो जो राष्ट्रपति भवन है, वो किसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अंग्रेजों के द्वारा अपने वायसराय के लिए बनाया गया था। ही बिकेम कंसर्न अबाउट द कंडीशन ऑफ द इंडियन पार्ट ऑफ द सोसाइटी, द क्राउडिंग, द एक्सेसिव वेजिटेशन एंड द ड्रिंक डर्टी टैंक्स, द स्मेल एंड पुअर ड्रेनेज। दीज कंडीशन वरीड द ब्रिटिश बिकॉज दे बिलीव एट द टाइम दैट पॉइजनस गैसेज फ्रॉम मार्स एंड पूल्स ऑफ स्टैग्नेंट वाटर वॉज द कॉज ऑफ द मोस्ट डिजीज। उस समय अंग्रेज लोग ये सोचते थे कि ज़्यादातर जो बीमारियाँ होती हैं वो ठहरे हुए पानी से, साथ ही जो मार्सी पार्ट होता है उसके कारण होती हैं। तो वो लोग इंडिया के इस पार्ट से बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहते थे। तो उसके लिए उन्होंने कुछ प्लानिंग की शुरुआत की है भारतीय क्षेत्रों को साफ सुथरा रखने के लिए। इन इज मिनट ऑन कैलकटा वेलेजली रोड, कैलकटा के ऊपर अपने मिनट्स में वेलेजली ने लिखा है कि इट इज़ प्राइमरी ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फॉर द हेल्थ सेफ्टी एंड कन्वीनियंस ऑफ द इनहेबिटेंट्स। कि ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि जिसमें कि वो अपने इनहेबिटेंट्स को कुछ ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करे, वेलेजली का बोलना है। साथ ही establishing a comprehensive system for the improvement of the roads, street, public drains and water courses and by fixing permanent rules for the construction and distribution of the houses and public edifices and for the regulation of the nonsense of the every descriptions. Creating open palace in the city was one way of making the city healthier. साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों का, ब्रिटिशर्स का यह मानना था कि किसी भी शहर में जितना इलाका खुला रहेगा उतना ही वो शहर ज़्यादा साफ सुथरा रखा जा सकेगा। तो उन्होंने पहला काम तो ये किया कि वेलेसली रोट ए मिनट एंड नोटिस टोटल इन 1803 ऑन द नीड फॉर टाउन प्लानिंग एंड सेटअप वेरियस कमेटीज फॉर दिस पर्पज। तो वेलेसली पहला ऐसा वायसराय बना जिसने कि शहरों के अंदर साफ सफाई, उनके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन, उसके अंदर किस प्रकार से रेल प्लांट, ड्रेनेज सिस्टम हो, इन सब के बारे में अपने कुछ विचार रखे हैं। तो यदि नाम पूछा जाए सबसे पहला एफर्ट किसके द्वारा किया गया, तो उस वायसराय का नाम होगा लॉर्ड वेलेसली। ओके, इतना यहीं पे। अगला कुछ बचा हुआ पॉइंट हम अगले पार्ट में इसको कंक्लूड करते हैं। चैनल अच्छा लगे हो तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।